बिल्कुल बिल्कुल 3:21 पर गगन ये अभी फेसबुक के माध्यम से छोटे स्वामी जी महाराज जी की हमको ज्ञात हुआ। तो समाचार को सुनकर के हम वहाँ छोटेश्वर के लिए रवाना हो रहे, वहाँ जाकर दूसरी के दर्शन कर रहे। कोई शेड्यूल आया क्या कुछ प्रोग्राम का कुछ कर? अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, तो जैसा भी होगा हम आपको। तो कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप धर्म के लिए? इस सनातन धर्म का सबसे बड़ी क्षति मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव दोनों पीठ के आचार्य थे, ज्योति समुदारी का शारदा पीठाधीश्वर जगत शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया। और आज संपूर्ण भारत में विश्व में बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि ऐसे पूज्यपाद हमारे बीच में भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं रहे। आखिरी बार जबलपुर उनकर कब आना हुआ था? और पूज्यपाद अभी 3 माह पहले गुरुजी यहाँ पर जबलपुर आए थे, जब वहाँ बेंगलोर से लौटे हुए थे तब उस समय यहाँ पर आगमन हुआ था। यहाँ से फिर सीधे ज्योतिश्वर के लिए रवाना हुआ। उस दिन वहाँ गुरु जी का चिकित्सा चल रही थी और अभी स्वास्थ्य ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि, लेकिन अचानक ऐसा समाचार हमको प्राप्त हुआ। जब जन्मदिन अभी मनाया गया, आप सभी लोगों को पता है 28 तारीख के दिन पूज्यपाद गुरु जी महाराज श्री का जन्मदिन मनाया गया और सही भक्तों द्वारा उल्लास के साथ दर्शन भी हुए। उस समय ही गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से कब से आप बता रहे हैं? महीने डेढ़ महीने से स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल प्रतिकूल चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है अभी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक था।